Friends, today we are going to discuss about burns. Firstly, the definition of burns. Burns mainly cause due to hot liquor, oils, flames, or some burns mainly cause due to chemical, electricity, and radiation. Next one is the types of burn. There are various type of burn. First one is thermal burn. Second one is chemical burn. Third one is electrical burn, and fourth one is radiation burn. First one is thermal burn. The example of thermal burn is hot liquor, oil, or flames. Means these burns mainly cause due to hot liquor, oil, or flames. Next one is chemical burn. The chemical burn mainly cause due to some chemicals like sulfuric acid, hypochlorite acid. And next one is the electrical burn. Electrical burn mainly cause due to electrical shock. Next one is the radiation burn. The example of the radiation burn is sunburn, UV rays, and high radiation X-rays. Next one is the degree of burns. Burns mainly characterized into 3 degrees: first degree burn, second degree burn, and third degree burn. In first degree burn, superficial layer of the skin is affected. Means superficial layer epidermis जो होती है हमारी वो क्या हो जाती है affect हो जाती है damage हो जाती है तो और इस जब ये burn होता है तो इसमें कुछ हमें symptom देखने को मिलते हैं इसमें pain होती है redness आती है swelling आती है और ये कौन से burn के case में होता है sunburn के case में होता है तो इसका मैं आपको एक example के साथ इसको बताऊंगी ये हमारे पास first degree burn की एक picture है इसमें क्या है देखो ये जो है रेडनेस जो हुई है ये क्या हुआ है बर्न हुआ है सुपरफिशियल लेयर जो है स्किन की वो क्या हो गई है अफेक्ट हो गई है डैमेज हो गई है तो इसमें क्या है जलन इस जब ये बर्न होता है क्योंकि सुपरफिशियल लेयर जो है वो अफेक्ट हुई है तो इसमें क्या होती है कई बार बहुत तेज जलन होती है तो हमें क्या करना है 5 to 10 minutes के लिए हमें क्या है उसको पानी से क्या करना है कूल करना है पानी ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए नॉर्मल पानी हमने लेना है उसको हमने क्या है अंडर रनिंग वाटर 5 to 10 minutes के लिए रखना है और जो भी एक्सपोजर है जहाँ हीट है वहाँ से हमने क्या है दूर हो जाना है और उसके बाद हमने क्या करना है उस जगह पर हमने एलोवेरा जेल या कोई हमारे पास बर्नोल क्रीम है तो उसका हमने यूज़ करना है नेक्स्ट वन आता है हमारे पास और इस जब ये बर्न होता है तो इसमें हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये क्या है जल्दी ही हील हो जाता है नेक्स्ट वन होता है हमारे पास सेकंड डिग्री बर्न जो सेकंड डिग्री बर्न होता है इसको हम पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं और ये जो हमारी स्किन की सेकेंड लेयर होती है डर्मिस उसको अफेक्ट कर देता है और ये जब बर्न होता है तो इसके कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं इसमें सीवियर पेन होती है ब्लिस्टर बन जाता है और उसके बाद बर्निंग होती है स्किन जो है वो डीप रेड कलर की और वाइट और डार्क ब्राउन कलर की देखने को मिलती है इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ इसमें क्या है ये देखो हमारे पास सेकंड डिग्री बर्न है ये हमारे पास सेकंड डिग्री बर्न की पिक्चर है इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है और स्किन जो होती है वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है और जब ये ब्लिस्टर इस ब्लिस्टर को क्या है हमने क्या है खुद से इसको हमने क्या है खुद से हमने इसको फोड़ना नहीं है ये अब खुद ही क्या हो जाता है बैठ जाएगा और इसके लिए हमें क्या करना है अगर ये खुद फट गया है तो उस केस में हमें इसमें क्या है एंटीबायोटिक क्रीम या कुछ ये आपके पास बर्नोल क्रीम है उसको हम गोश पीस पे रखेंगे उसको हम लगा सकते हैं तो इस बर्न को ट्रीट करने के लिए हमने 15 टू 20 मिनट्स के लिए क्या है रनिंग वाटर के अंडर हमने क्या करना है रखना है आइस हमने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है अगर हम आइस इसमें अप्लाई करते हैं एक तो क्या है हमारी स्किन डैमेज होने के चांसेस होते हैं इरीटेशन होती है और दूसरा ये है कि अगर हम आइस का यूज़ करेंगे तो पर्सन जो है वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है हाइपोथर्मिया मीन्स कि उसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाएगा जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता है हो पाएगा और उसको प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको ट्रीट करने के लिए फिर हम उसके बाद क्या है फर्दर हम डॉक्टर के पास क्या है हम सलाह ले सकते हैं नेक्स्ट वन हमारे पास आता है थर्ड डिग्री बर्न जो थर्ड डिग्री बर्न होता है ये क्या होता है सीवियर टाइप का बर्न होता है इसको हम फुल थिकनेस बर्न भी होते हैं और बोलते हैं और ये जो होता है हमारी जो स्किन की जो लास्ट लेयर होती है उसको क्या कर देता है ये डैमेज कर देता है और इसमें क्या होता है ब्लैक ब्राउन और वाइट कलर की जो और येलो कलर की जो स्किन होती है वो हमें देखने को मिलती है और ये क्या करता है हमें इस स्किन में हमें ज़्यादा जलन नहीं होती है क्योंकि ये हमारी जो नर्व सेंडिंग होती है उनको क्या कर देता है डैमेज कर देता है और ये हमारी जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसको क्या कर देता है अफेक्ट कर देता है डैमेज कर देता है इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी ये क्या है हमारे पास एक
थर्ड डिग्री बर्न की पिक्चर है। और इसमें देखो मैंने आपको बताया कि स्किन जो होती है रेड कलर की हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है और येलो कलर की हो जाती है। और इस बर्न को ट्रीट करने के लिए हमें क्या है, हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत होती है, हमें डॉक्टर से चेकअप करवाना है। और इसको जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते तब तक हमने ट्रीट करने के लिए क्या 15 to 20 minutes के लिए इसको क्या रनिंग वाटर के अंदर रखना है। और कोई भी हमने जैसे ज्वेलरी वगैरह पहनी है, कोई भी टाइप का बर्न है उसको हमने ट्रीट करने के लिए, कोई भी हमने ज्वेलरी पहनी है, टाइट क्लोथ्स पहने हैं तो उनको हमने रिमूव करना है। पर ध्यान रहे कि जो चीज़ चिपक गई है उसको हमने क्या है, उसको डॉक्टर ही क्या है ट्रीट करें, उसको वो खुद निकाले, अपनी मर्जी से हमने उसको निकालना नहीं है। क्योंकि अगर हम उसको अपनी मर्जी से निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारी स्किन और डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर हम इसमें कोई किसी तरह का जैसे बर्नोल क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान रहे कि हमने कॉटन के साथ उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कॉटन जो होता है इस जो हमारे स्किन है इसके साथ चिपक जाएगा। इसलिए हमने जो गोस पीस आते हैं उसके साथ हमने क्या है उस क्रीम को गोस पीस पे अप्लाई करना है और उसके साथ लगाना है ताकि वो इजली क्या है रिमूव हो सके। क्योंकि अगर हम ऐसे ही गोस पीस को भी ऐसे लगा देंगे विदाउट ऑइंटमेंट लगाए हुए तो वो क्या होगा इसके साथ क्या है चिपक जाएगा, जिस जब हम उसको निकालेंगे तो वो इरिटेशन कोज करेगा। तो कोई भी बर्न है तो उस पर हमने क्या है आइस भी अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि हम अगर आइस अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा हमारी जो स्किन है वो डैमेज जाएगी और हमें हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। नेक्स्ट वन जो बर्न्स होते हैं जैसे हमारे पास केमिकल बर्न आता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें अगर हम अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं तो उसमें हमने क्या है कूल वाटर क्या है हमने पोर करना है। ज़्यादा ठंडा पानी हमने यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल हमने पानी लेना है और उस पर हमने फेंकते रहना है। उससे क्या होता है हमारी स्किन जो होती है वो ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊँगी रूल ऑफ 9, मतलब बर्न हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट हमारी बॉडी का जो एरिया है वो क्या हुआ है बर्न हुआ है, तो उसको हम रूल ऑफ 9 से कैसे पता करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी।